इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की जान खतरे में आ गई थी। इसके बाद दुनिया के काफी देशों ने इस प्रजाति के कुत्तों को अपने देश में बैन कर रखा है। स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। सो कच्चा बादाम वाली वीडियो आप लोगों को इतनी पसंद आई और उसमें मैंने एक ऐसी वीडियो छोड़ दी जिसको पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी था। हाँ, शायरी नशे पत्ते सारे खराब है चाहे दारू पियो या रम, नशे पत्ते सारे खराब है चाहे दारू पियो या रम, और इंस्टाग्राम पर अगर नहीं दिखाओगे बम तो फॉलोअर हो जाएंगे कम। मेरे हो रहे हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब कमर यहाँ हुआ करती थी और कमर को डांस के नाम पे हिलाया जाता था, पर अब कमर की जगह एक अभद्र शारीरिक अंग ने ले लिया है जिसका फुल प्रदर्शन हो रहा है। दीदी, बादाम भले ही कच्चा हो पर वीडियो बनाते बनाते आपका मुंह जरूर पूरा का पूरा सड़ चुका है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता। दीदी, ऐसा मुंह सुअर और कुत्तों का होता है जब वो पानी पीते हैं। ऐसा मुंह मत बना, तेरा मुंह वैसे ही सड़ा हुआ है। बहुत हो गया कच्चा बादाम पक्का बादाम, अब आगे बढ़ते। अगर ऐसे बम के डम डम डिगा डिगा करने से बादाम पकते ना तो बादाम कच्चे ही अच्छे, और बादाम ही क्यों, इनके खेत में हर चीज कच्ची होगी क्योंकि जितना प्यार इन्हें अपने बम से है ना, ये खाद की जगह पात डाल देते होंगे, और पात से आम की गुठलियां ना पके, बादाम तो कहां से ही पकेगा। अरे अरे शांत हो जा भेरंटे भजिए। चुप, तू शांत हो जा। और हाँ, इसकी वीडियो के कमेंट, जो मजा पिंक में था वो इसमें नहीं है। आंखों में आंसू, दिमाग से धांसू, और जिस गर्लफ्रेंड के साथ फोटो डालिए डीपी में उसने देख लिया तो ना पिंक में मजा आएगा ना काले पीले में। और लोग सोचते होंगे कि इनके मम्मी पापा इनकी वीडियो नहीं देखते कि किस प्रकार इंस्टाग्राम पे अपने बम के साथ डम डम डिगा डिगा कर रही है, पर नहीं, ये अपने पापा के साथ वीडियो बना के पूरी दुनिया का मुंह बंद कर देते हैं। दिल दोस्तों इतना मजबूर मैंने लास्ट टाइम वो हेयर कटिंग के मीम वाले बच्चे को देखा था। अरे बजा ज्यादा क्यों कर रहे हो ज्यादा, मत करो। वैसे इससे भी ज्यादा कोई मजबूर है। ये दुनिया में आखिरी वो अभद्र चीज होगी जिसको मैं इतनी सहजता से हिलता हुआ देखना चाहूंगा। नहीं, दुनिया में इंसान किस पॉइंट पे आ गया है कि शरीर बनाया, पूरी बॉडी बनाई, बाइसेप बनाए, और इंसान दिखाना क्या चाहता है, अपने बम के साथ करता हुआ डम डम डिगा डिगा। साले कुत्तों की जिंदगी। और कोई सॉन्ग वायरल हो और उसमें लेजेंड रानू मंडल अपना योगदान ना दे, ऐसा हो सकता है ना? नक्को, बिल्कुल नहीं। भले ही अपने बने बनाए करियर से आंटी जी ने ऐसा बोल दिया हो। एटलीस्ट रेलवे स्टेशन से अपने खुद के घर तक आ चुकी हैं, और एक तरफ हमारे बुढ़ापे के अंकल है जिनकी जवानी फूटी जा रही है। इतने जोर से पकड़ोगे अंकल तो उसके सुबह खाए हुए पोहे जलेबी को भी पेट में पता चल जाएगा आपके प्यार का। वाजी, आप मिलने के मजे लो और हम आपके मजे ना लेना। ये सफेद आम की बुड्ढी गुटली जैसे अंकल कैप्शन में गोलियां चलाते हैं हम रोस्टर्स पर। इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। ला 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 ला। जी अंकल, आप हुस्न पर, आप जाने जहां, आप सबसे हंसी, आप सबसे जवान। नहीं, जाकिर भाई जवान नहीं, ना नक्को बिल्कुल नहीं, पर आपकी वजह से ये देश कौन चला रहा पता है, आप लोग जिंदगी किसकी वजह से जी रहा पता है। अरे आपकी वजह से हमें ब्रेक देंगे। बाकी अंकल का कैप्शन गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम ना देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे। तो अंकल जी ने कैप्शन में लिखा है अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, और इत्तू से समय के बाद इत्तू से तुम तो जाना बड़ी खूबसूरत।
हाँ जी, अभी तो नजारे नहीं दिख रहे थे और अब नजर नहीं हट रही और खूबसूरत अलग लग रहे नजारे। बाकी एक बात ध्यान दी, वो बेचारी कोमल नाजुक सी लड़की अंकल के हाथ ही हटाती रहती वीडियो में। मुझे जहां तक लगता है ये लड़की अंकल के एम्प्लॉई है और वीडियो बनाने के नाम पे काम चोरी करने मिल जाती है तो वो भी खुशी खुशी वीडियो बना लेती है। पर प्यार क्या होता है असली, यह हमें हमारा मर्दाना गिलहरी बताएगा। सॉरी, गिलहरा। जिससे प्यार करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने के लिए तो पूरी दुनिया बाकी है। अरे स्पाइडरमैन फ्रॉम कचरा घर, जाले कहाँ से छोड़ने वाला है, अपनी चोटियों में से। जैसा भी चाहेगा ऐसा तो नहीं चाहेगा। दो चोटी वाली डोरा लग रहा है मेरे भाई, तेरा बैकपैक कहाँ है? बैकपैक बैकपैक। गम मिला तो रो ना सके, खुशी मिली तो मुस्कुरा ना सके, मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है जिसे चाह उसे पा ना सके। जितना भी गम मिला हो तुझे, पर अगर आज तेरी मम्मी को उनका पेटीकोट नहीं मिला जो कि तू चुरा लाया है, तो तेरे को जबरदस्ती रुलाया जाएगा। बाकी आज का आखिरी लेजेंड जो कि खुद के साथ ही रोमांस कर लेता है। अरे ये क्या कर रही हो बेबी, सब देख लेंगे। कितना ज्यादा सिंगल है भाई तू। वो अकेला सिंगल नहीं है यहाँ पे, तुझे तो कोई इमेजिनेशन में भी हग ना करे। हे दैट इनविजिबल पुश, शायद इसे ही प्यार की थपकी कहते हैं ना मेरे मेंढकीय राजकुमार। चलो चलो सब सेल्फी शारूस लिख दो कमेंट में जल्दी से। एक तो बेचारी मदद मांगने आई है, उसने हग भी किया और ऐसी ऐसी सेल्फिश हरकतें, और इमोजीज का परफेक्ट यूज करना कोई इससे सीखे। शी हग्ड मी। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। आप समझते क्यों नहीं, वो लड़का ठीक नहीं है आपकी बेटी के लिए। इतना कौन रोता है भाई इमोजी में भी। आप पूछो वो प्यार करती है मुझसे। एंड आखिरी में मिक्स्ड एक्सप्रेशन, एकदम कीचड़ हो गया एक्सप्रेशन का। बाकी आरुष के पास इतना कंटेंट है कि उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और अगर आरुष पे एक और वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट में, मेरे को 10,000 कमेंट चाहिए। कर दो यार, भरोसा है मुझे आप लोगों पे। बाकी वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करें अपने फेवरेट पार्ट, और चैनल सब्सक्राइब कर ले जितने लोगों ने नहीं किया है। बेल आइकन आपकी मर्जी, आप दबाना चाहो तो, क्योंकि मुझे पता है यार आप लोग चैनल पे आके वीडियो देख लेते हो, कितना प्यार है क्या बताऊं मैं। चलो अब बाकी चलते हैं। केंदी उंदी सी वीडियो लाइक कर दे।